यूपी बोर्ड के लगभग 52 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों का आज इंतजार खत्म होने वाला। जी हाँ, तो बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए। ठीक है, एबीपी गंगा के माध्यम से रिजल्ट की घोषणा की जा रही है। अभी अभी हुई हाई लेवल बैठक के माध्यम से इसका ऐलान हुआ है। ठीक है, आप चाहे 10वीं के छात्र छात्राएं हो या फिर 12वीं के, किसी भी राज्य से आते हो, किसी भी बोर्ड से आते हो, ठीक है, तो हम आपको बता दें कि यूपी बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट के जो नतीजे हैं वो जारी नहीं किए हैं। रिजल्ट को लेके लाखों छात्र इंतजार कर रहे हैं। कम से कम 50 लाख छात्र छात्राओं ने आवेदन किया था, जिसमें 4 लाख परीक्षार्थियों ने पेपर छोड़ दिए। ठीक है, रिजल्ट की जो आधिकारिक वेबसाइट है uprizult.nic.in, इसके माध्यम से रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, 50 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें 4 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी थी। ठीक है, जैसा कि हम आपको बता दें, हाई स्कूल में करीब 25 लाख और इंटरमीडिएट में 22 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षाएं दी है। ठीक है, तो इनके जो परीक्षा परिणाम है बहुत ही जल्द घोषित कर दिए जाएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि काफी सारे परीक्षार्थियों को फर्स्ट डिवीजन से पास किया जा रहा है। तो ऐसे कौन से परीक्षार्थी हैं जिनको ज्यादा से ज्यादा नंबर दिए जा रहे हैं? तो सबसे पहले बता दें कि बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो अब समाप्त हो चुकी हैं और इनकी कॉपी चेकिंग का प्रोसेस जारी हो चुका है। ठीक है, इसके लिए हर जिलेवार कार्यालय बनाए गए हैं, जिन कैमरों की मदद से इनकी जानकारी रखी जा रही है। जिलेवार बनाए गए इन कार्यालयों में जो भी शिक्षक कॉपी चेक कर रहे हैं उनकी पूरी निगरानी बरती जा रही है। ठीक है, तो जैसे कि हम आपको बता दें कि कॉपी जो चेक हो रही है उनमें किन परीक्षार्थियों को अच्छे से अच्छे नंबर दिए जा रहे हैं, तो जो भी परीक्षार्थी अपनी कॉपी को खाली नहीं छोड़े, मतलब शुरू के 2-3 पेज अच्छी तरह से भरे हैं, कॉपी को खाली नहीं छोड़े, देख सकते हैं आप, ये जो टीचर कॉपी चेक कर रहे हैं, हम अभी आपको दिखाएंगे कि किन परीक्षार्थियों को फेल किया जा रहा है। ठीक है, देख सकते हैं आप, इनकी कॉपी देख लीजिए, देख सकते हैं आप कैसे खाली छोड़ दिया। ठीक है, ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने प्रश्न लिख के आंसर लिखा ही नहीं है, उनको नंबर किस बेस पे मिलेंगे? ठीक है, उनको तो डायरेक्ट ही फेल किया जाएगा। ठीक है, तो उनकी बहुत ही छोटी गलती के कारण उन्हें क्या किया करना पड़ेगा, फेल का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी परीक्षार्थी अपने क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड लिखे हैं, ठीक है, बिना कोई काट पीट के अच्छे से कॉपी लिखे हैं और पैसे भी लगाए हैं, तो पैसे पैसे पे नंबर जो उन्होंने पूरा लिखा है, ठीक है,